नमस्ते, गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू टुडेज अमूल लाइव शो। आई एम पापिया शर्णा चौधरी फ्रॉम कोलकाता एंड टुडे आई एम गोइंग टू प्रिपेयर अ वेजिटेरियन कबाब रेसिपी। टुडेज रेसिपी इज दही के कबाब, व्हिच इज एन एक्सट्रीमली सिंपल एंड क्रीमी पैटिस रेसिपी, व्हिच हैज जिसका आउटर जो कॉस्ट होता है वो वेरी क्रिस्पी होता है एंड उसका जो अंदर का हिस्सा है वो बहुत मॉइस्ट होगा। दिस रेसिपी इज वेरी फेमस इन नॉर्दर्न इंडिया। दिस इज बेसिकली मुगल क्विजिन। दिस रेसिपी इज बिलोंग्स टू मुगल क्विजिन एंड यू कैन सर्व इट एज अ पार्टी स्टार्टर, एपेटाइजर, स्नैक रेसिपी। सो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स स्टार्ट टू दिस रेसिपी। वी नीड हंग कट फॉर दिस रेसिपी एज दिस इज अ दही के कबाब। सो द मेन इंग्रीडियंट इज दही। दिस इज हंग कट। You can use store-bought dahi or you can use simple homemade dahi for this recipe, but you have to remove all the water from this dahi, which is hung cut. So इसके लिए आपको क्या करना है, strain all the water from the dahi. You need one muslin cloth or strainer and इसको hung करके रखना है 3 से 4 घंटा तक। इसका जो excess water है जिसको हम लोग बोलते हैं whey protein, उसको निकाल लेना है, तो आपका हंग कट रेडी हो जाएगा। गर्मी का मौसम में आप लोग क्या करेंगे, इसको मसलिन के क्लॉथ और स्टेनर जिसके ऊपर ही रखना है उसको रख के आप लोग फ्रिज में घुसा दीजिएगा, क्योंकि बाहर रखने से उसका जो सोड मतलब खट्टापन जो है वो ज्यादा हो जाएगा। सो द मेन इंग्रेडिएंट इज हंग कट। आई एम मेकिंग दही के कबाब, व्हिच इज अ स्टार्टर रेसिपी, वेजिटेरियन कबाब रेसिपी, दही के कबाब, दही पनीर कबाब। आई एम गोइंग टू यूज पनीर इन दिस रेसिपी टू बैलेंस द टैंगीनेस ऑफ द दही। सो फ्रेंड्स, दीज आर द इंग्रेडिएंट्स फॉर टुडेज रेसिपी। द मेन इंग्रेडिएंट इज हंग कट, दिस इज बेसन और चिकपी फ्लावर, दिस इज पनीर। आई हैव टेकन 1 कप ऑफ पनीर, एक्चुअली 1 कप मीन्स 200 ग्राम्स ऑफ पनीर। आई हैव टेकन अमूल पनीर फॉर दिस रेसिपी। सम पीनट I am going to use. Paneer will balance the tanginess of the dahi, and some green fruits, green vegetables will require. You can use any vegetable of your choice. I am using dhaniya ka patta, thoda sa pudina ka patta, chopped onion, chopped ginger, chopped green chili, red bell pepper, yellow bell pepper, and green capsicum. These are the ingredients for dahi ke kabab and some. Tempering agents, some flavors I will add there. this is kitchen king masala. I am going to use kitchen king masala क्योंकि kitchen king masala पनीर के साथ दही के साथ उसका जो टेस्ट एनहांस होता है, दही का टेस्ट को कोई भी वेजिटेरियन डिश में अगर आप लोग किचन किंग मसाला का यूज करेंगे तो उसका टेस्ट बहुत ही एनहांस होगा। एंड थोड़ा सा गर्म मसाला भी मैं यूज करने वाली हूँ। आप लोग चाहे तो भुना हुआ जीरा भी यूज कर सकते हैं, लेकिन किचन किंग मसाला देने से भुना हुआ जीरा देने का जरूरत नहीं है। दिस इज रॉक सॉल्ट और ब्लैक सॉल्ट। दिस इज जो पीपर पाउडर, दिस इज पीपर पाउडर। आई हैव जस्ट टेकन 1/2 टीस्पून ऑफ पीपर पाउडर एंड दिस इज ब्रेड क्रम्स एंड सेमोलिना। मैं थोड़ा सा सेमोलिना और थोड़ा सा ब्रेड क्रम्स को एक साथ मिला के ले लिया। एंड आई एम गोइंग टू मेक 1 डीप फॉर दिस रेसिपी। फॉर दैट आई नीड सम हंग कट, मेरे को चाहिए थोड़ा सा पुदीना का पत्ता, थोड़ा सा धनिया का पत्ता, थोड़ा सा रॉक सॉल्ट, ये है हनी और मधु, और ये है नींबू का रस चाहिए। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट स्टेप इज ये जो बेसन है इसको भूनना है, अच्छे से भून लेना है। टेम्परेचर लो होना चाहिए इन दिस स्टेज। इसको भूनने के लिए मैं छोड़ देती हूँ। एंड इसके साथ जो करना है, ये प्लेट लेना है एंड इसमें हमको पहले ही जो करना है, बादाम को थोड़ा सा, पीनट को थोड़ा सा अलग से रख देना है। ये जो मैंने 1 कप ऑफ पनीर लिया इसको थोड़ा सा मैश कर लेना है। पनीर के अंदर पानी ना रहे ये आप लोगों को देखना है बहुत अच्छे से।
हाथ से आप लोग पहला स्टेप है, इसको अच्छे से मैश कर लीजिए। इसको एकदम नरम बनाना है। मैंने भूनने के लिए बेसन को रख दिया एकदम लो टेम्परेचर में, ये भुनना स्टार्ट हो गया, इसको भुनने के लिए छोड़ देते हैं। दिस इज अ वेरी हेल्दी कबाब। घर में आप लोग इसको बना के बच्चा लोगों को टिफिन में दे सकते हैं। हम लोग ब्रेड खाते हैं तो दोनों ब्रेड के अंदर थोड़ा सा बटर लगा के आप इसको भी दे सकते हैं, इसको फ्राई करके भी दे सकते हैं। हाँ, और मैं इसको स्टार फ्राई, मैं इसको पैन फ्राई करने वाली हूँ, मतलब सौते करके मैं इसको बनाने वाली हूँ, क्योंकि ऑयल जितना हो सके हम लोगों को कंज्यूम करना नहीं चाहिए ज्यादा ऑयल, लेकिन आप लोग फ्राई करके भी इसको बना सकते हैं। तो पहला स्टेप है, इसको अच्छे से मैश कर लेना है। सो दिस इज डन एंड नाउ हमको लेना है 3/4 कप ऑफ हंग कर्ड। दिस इज द मेजरिंग कप। अब देख लीजिए एकदम थोड़ा ज्यादा हो गया, एकदम 3/4 कप ऑफ हंकर मैंने ले लिया। इसको इसके साथ मिला लेना है। आप लोग हाथ से भी कर सकते हैं, किसी हाथ से ज्यादा अच्छा होगा, हाथ से ही कीजिएगा, मैं हाथ से ही करना पसंद करती हूँ। इसको भी भुनना है, एक साथ भूनते रहना है, अच्छे से भुनना है इसको। एंड इसके साथ अभी ये जो मैंने लिया ऑनियन, धनिया का पत्ता, पुदीना का पत्ता, जो जो मैंने लिया अभी बोल दिया आप लोगों को, ये सबको मिला लेना है इसके अंदर। जो ब्लैक सॉल्ट है एंड दिस इज किचन किंग मसाला, दिस इज पीपर पाउडर, सबको एक साथ मिला लेना है। बहुत ही इजी रेसिपी है, घर में कभी भी आप लोग बना सकते हैं, लेकिन दही को 3-4 घंटा पहले उसको सेट कर लेना है, हंकर बना लेना है आप लोगों को। ये प्रोसेस आप लोगों को कर लेना है। सो दिस इज डन। अभी ये जो चिकपी मैंने लिया उसको देखते हैं कैसा हुआ उसका भुनना। चिकपी को अच्छे से भून के आपको देना है, नहीं तो इसका कच्चापन रहेगा, खाने में अच्छा नहीं लगेगा। ये स्टेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। लो फ्लेम के इसको 2-3 मिनट तक भून लीजिएगा। आप लोग चाहे तो बेसन के जगह आप लोग कुछ भी यूज कर सकते हैं, आप लोग चाहे तो ओट्स फ्लावर भी यूज कर सकते हैं। मैं घर में ओट्स फ्लावर देके भी बहुत कुछ स्टार्टर बनाती हूँ, ओट्स फ्लावर दे सकते हैं, चाहे तो थोड़ा सा मैदा भी आप लोग दे सकते हैं, लेकिन मैदा यूज करना सेहत के लिए अच्छा नहीं है। कोई भी हेल्दी रेसिपी में आप लोग आइदर बेसन यूज कीजिए, छातू यूज कर सकते हैं आप लोग, छातू तो बहुत अच्छा है सेहत के लिए, और नहीं तो आप लोग ओट्स फ्लावर भी यूज कर सकते हैं। इसका भुनना हो गया है, फ्लेवर आएगा, एक तो स्मेल आएगा भुनने का, वो आने के बाद आप लोग इसको भुनना स्टॉप कर दीजिएगा। सो दिस इज डन। अभी इसको थोड़ा सा ठंडा करके मैं इसके अंदर देने वाली हूँ। लगातार चलाते रहना है फ्लेम ऑफ करने के बाद, नहीं तो नीचे वाला जो हिस्सा है वो जल जाएगा। अभी क्या क्या मैंने लिया फिर से बोल देती हूँ। 1 कप ऑफ ग्रेटेड पनीर और क्रम्बल पनीर, 3/4 कप ऑफ हांग कट, थोड़ा सा बेल पेपर, 2 कलर का बेल पेपर, कैप्सिकम, ग्रीन कैप्सिकम, थोड़ा सा ऑनियन चॉप्ड, ग्रीन चिली चॉप्ड, फिर मैंने लिया 2 कलर का बेल पेपर, वो तो बोल दिया, और थोड़ा सा बादाम लिया, किचन किंग मसाला लिया, ब्लैक पेपर का क्रश्ड ब्लैक पेपर लिया, एंड
जो रॉक सॉल्ट होता है वो मैंने ले लिया। सो अभी फॉर द नेक्स्ट स्टेप आई हैव टू ऐड दिस चिक्की फ्लावर, दिस इज टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून, 2 टेबल स्पून, 3 टेबल स्पून एंड 4 टेबल स्पून, जस्ट 4 टेबल स्पून, मतलब 1/4 कप ऑफ बेसन मैंने ले लिया। अभी इसको अच्छे से मिला लेना है, सभी को अच्छे से मिला लेना है। अगर आप लोग चाहे तो इसको मिला के थोड़ा सा फ्रिज में भी रख सकते हैं, फ्रिज में रखने से इसका मिक्सचर अच्छा से बाइंडिंग हो जाएगा, मिक्सचर का आपका कबाब बनाने में सुविधा होगा। अभी इसको हाथ देना है, सॉफ्ट इन द इनसाइड एंड आउटर क्रस्ट इज वेरी क्रंची एंड क्रिस्पी। सो दिस इज अ वेरी नाइस रेसिपी फ्रेंड्स एंड हेल्दी टू। सो घर में जरूर ट्राई कीजिएगा, ये बनाना थोड़ा सा टाइम लगता है हम कट को रेडी करने के लिए। सो दिस इज डन, अभी हाथ को क्लीन करके हमको शेप देना है। जस्ट अ मिनट फ्रेंड्स, नेक्स्ट स्टेप मैंने इसको तवा फ्राई करने वाली हूं। इसके लिए तवा को मैंने बैठा दिया एंड थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल, इसमें मैं मस्टर्ड ऑयल दे रही हूँ क्योंकि कोई भी कबाब मस्टर्ड ऑयल में अच्छा लगता है, उसका फ्लेवर अच्छा लगता है। कबाब में मस्टर्ड ऑयल जाने से कबाब का टेस्ट एनहांस होता है। थोड़ा सा ब्रश कर लेना है क्योंकि ज्यादा तेल नहीं देना है, जस्ट शैलो फ्राई करना है, इसको शैलो फ्राई बोलते हैं। आप लोग चाहे तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं, अगर डीप फ्राई करना चाहते हैं तो कोई कुछ ट्रिक्स है मैं बोलने वाली हूँ। अभी क्या करना है, हाथ में थोड़ा सा पानी लेना है, ऐसे थोड़ा सा पानी लेना है, लेके ऐसे एक बॉल की तरह इसको लेना है। बहुत ही नरम है, सावधानी से करना पड़ेगा, बहुत ही सॉफ्ट है ये मिक्सचर, इसको इसके अंदर देना है एंड चम्मच से आप लोग इसको बना लीजिए। इससे एक बार टैप कर लीजिए, दो बार आप लोग इसको टैप कर लीजिए क्योंकि ये बहुत ही सॉफ्ट होता है, सावधानी से करना पड़ेगा इसको। एंड अनदर वन, हाथ को आप लोग घर में जब बनाएंगे हाथ को क्लीन करके बनाइएगा, पानी लेके हाथ को क्लीन करके बनाइएगा तो आपका ये बहुत ही अच्छा होगा। एक एक को बनाने के बाद हाथ को क्लीन कर लीजिएगा आप लोग। सबसे अच्छा होगा ये बनाने के बाद, आप लोग चाहे तो इसको आधा घंटा तक फ्रिज में रख के सेट करके फिर इसको फ्राई करना है या कबाब बनाना, शैलो फ्राई करना है, जो करना है आप उसके बाद कीजिएगा, बहुत ही अच्छा रिजल्ट होगा क्योंकि इसका अंदर वाला हिस्सा थोड़ा सा नरम होता है। सो थोड़ा सा फ्रिज में रखने से ये जो बाइंडिंग है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा और इसका शेप भी बहुत अच्छा आएगा। सो अभी दे देते हूँ, डायरेक्ट दे देना है।
आप लोग अगर डीप फ्राई करना चाहते हैं तो जो प्रोसेस आप लोगों को करना पड़ेगा, ऑयल को एकदम हॉट करना होगा, उसके बाद आपको ये जो कबाब आप लोग बनाएंगे उसको छोड़ना है, एकदम हॉट करके छोड़ना है। एंड कबाब में और जो करना है, एक साथ ज्यादा कबाब नहीं देना है, एक साथ एक या दो कबाब एक साथ फ्राई करना है, उसके उससे बेस ज्यादा आप लोगों को नहीं देना है। तो ये दही फट सकता है, दही बहुत ही नरम होता है, इसलिए थोड़ा सा सावधानी आप लोगों को फ्राई करने का टाइम लेना पड़ेगा। अनदर वन, बहुत ही इजी रेसिपी है, 10-15 मिनट के अंदर ये हो जाता है, खाने में भी बहुत ही बढ़िया होता है। अनदर वन, हल्के हाथ से इसको देना है। इसको होने के लिए छोड़ देते हैं। एंड द नेक्स्ट स्टेप इज टू मेक अ डीप फॉर द कबाब। ये डीप के लिए हमको चाहिए धनिया और पुदीना का पत्ता, थोड़ा सा नींबू का जूस, एक टीस्पून के आसपास नींबू का जूस, ये है हनी, 1 टेबलस्पून ऑफ हनी, थोड़ा सा रॉक सॉल्ट, खाने में रॉक सॉल्ट यूज कीजिएगा, बहुत ही बढ़िया होता है सेहत के लिए। एंड ये जो हंकड़ मैंने लिया, थोड़ा सा हंकड़, 1 टेबलस्पून ऑफ हंकड़। सो इन टोटल दिस इज अ वेरी हेल्दी डिप। अभी इसको थोड़ा सा चला लेना है, ये भी हो चुका है। देखिए आप लोग फ्रेंड्स, दही का जो डीप मैंने बनाया धनिया और पुदीना के साथ, वो भी हो चुका है, खाने में बहुत टेस्टी होता है ये डीप। अभी इसको ट्रांसफर करना है। अभी इसको देखते हैं इसका क्या हालत है। देखिए कितना सुंदर हो चुका है, एकदम गोल्डन ब्राउन हो चुका है। फ्राई करने का जरूरत नहीं है किसी को, क्योंकि फ्राई करने से बहुत तेल इसके अंदर चला जाता है, जो सेहत के लिए एकदम भी अच्छा नहीं है। आप लोग ऐसे कीजिए, इसको बना के आप लोग ब्रेकफास्ट में चटनी के साथ दे सकते हैं, नहीं तो कोई भी ब्रेड के अंदर इसको डाल के आप लोग दे सकते हैं, बच्चे लोग आसानी से खा जाएगा। इसके अंदर वेजीज भी है, ये बहुत ही हेल्दी प्रोडक्ट्स है इसके अंदर, इंग्रेडिएंट्स है इसके अंदर। सो आप लोग घर में ब्रेकफास्ट में भी दे सकते हैं, शाम का नाश्ता में भी आप लोग एज ए स्टार्टर, एज एपेटाइजर, एज एन एपेटाइजर आप लोग दे सकते हैं। सो देख लीजिए आप लोग कितना सुंदर हो जाता है, बहुत ही कम ऑयल में ये हो गया। और अगर आप लोग चाहे तो इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन डीप फ्राई करने के लिए मैंने जो स्टेप बोला वो आप लोगों को याद रखना है। पैन में जो ऑयल लेंगे वो बहुत ही हॉट होना चाहिए। एंड द सेकेंड पॉइंट इज, एक साथ एक या दो कबाब को फ्राई कीजिएगा, एक साथ ज्यादा कबाब फ्राई करने से कबाब टूट जाएगा। सो दो स्टेप आप लोगों को याद रखना है अगर इसको फ्राई करना है तो। मैं तो सजेस्ट कर रही हूँ आप लोग इसको शैलो फ्राई कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही सेहत के लिए अच्छा होगा।
जो भी खाना घर में बनाते हैं हम लोग माँ लोग ट्राई करते हैं खाना हमेशा हेल्दी हो। तो ऑलमोस्ट डन, दोनों साइड गोल्डन ब्राउन होना चाहिए। देखिए कितना सुंदर हो जाता। मैंने सूजी यूज किया इसके अंदर। सूजी देने से ये जो आउटर पोर्शन है बहुत ही क्रिस्पी होगा। आप लोग सूजी के जगह में कुछ भी यूज कर सकते हैं, पोहा भी यूज कर सकते हैं। सो दिस इज ऑलमोस्ट डन। अभी इसको उठा लेना है थोड़ा एक मिनट और, इसको फ्राई करके, फ्राई नहीं शैलो फ्राई करके उठा लेना है। इसका खुशबू भी बहुत सुंदर आ रहा है फ्रेंड्स। सो दिस इज डन। मैं फ्लेम को ऑफ कर देती हूँ एंड अभी इसको सर्व करना है। साफ करने के लिए आप लोग कुछ भी यूज कर सकते हैं, सैलड यूज कर सकते हैं, नहीं तो डीप यूज कर सकते हैं। मैंने एक डीप बनाना आप लोगों को दिखा दिया ऑलरेडी, ऐसे भी आप लोग सर्व कर सकते हैं। सो दिस इज धनिया पुदीना का डीप विथ हंग कट एंड दिस इज टोमेटो केचप। सो फ्रेंड्स दिस इज माई फाइनल डिश। आप सभी को कैसा लगा आप लोग बोलिएगा जरूर। दिस इज द फाइनल डिश। सो माई टूडेज रेसिपी दही के कबाब, दही पनीर कबाब विथ मीट एंड योगर्ट डीप। आप सभी को कैसा लगा आप लोग जरूर बोलिएगा। एंड थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माई सेशन। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।